हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बनाने वाले हैं ब्लाउज का लेटेस्ट नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से ब्लाउज को बना लिया है। कपड़ा मैंने इस प्रकार से लिया है, चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी 6 इंच रखी है। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको डबल में रखा है और यहाँ पर ये इस प्रकार से जो लेस वाला कपड़ा आता है, कपड़े में बॉर्डर है, तो उसी बॉर्डर को मैंने इस प्रकार से लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से देखिए कपड़ा कट किया है, तो इसकी लंबाई मैंने समथिंग 13 इंच रखी है। नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई समथिंग 3.5 इंच, ऊपर से 1 इंच रखी है। इसको मैंने डबल में कट कर लिया है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर इस कपड़े को इस प्रकार से उल्टा फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कपड़ा डबल में लिया, तो एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में इसको हमें अच्छे से यहाँ से साइड से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में हमें इसको इस प्रकार से दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसके साइड में पाइपिंग लगा लेना है। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हो तो पाइपिंग लगा सकते हो। इससे हमारी जो बटरफ्लाई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से ब्लाउज के साथ में रेडीमेड पाइपिंग आई थी, तो मैंने यहाँ पर ये वही पाइपिंग इसमें लगाऊंगा। आप चाहो तो इसको अलग से भी कपड़े से निकाल के इसको बना सकते हो और लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हमें इसके साइड में ये पाइपिंग लगा लेना है, जो कि मैंने धागे वाली पाइपिंग यूज़ की है। तो जो हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इससे जो हमारी बटरफ्लाई बनेगी वो एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ में बनने वाली है। तो इस प्रकार से हमें इसको साइड से दोनों साइड में पाइपिंग लगा लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें पाइपिंग लगा ली है। दोनों साइड पाइपिंग लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद में इसको हमें इस प्रकार से रखना है और यहाँ से हमें इसके बीच में इस प्रकार से इसको इकट्ठा कर देना कपड़े को और इस पर हमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये बटरफ्लाई शेप में आ जाएगा। कपड़ा इस प्रकार से शेप में आने के बाद में यहाँ पर हमें जो साइड में हमने इसके नीचे लटकाने के लिए कपड़े लिए हैं, तो इनको हमें साइड से सिलाई लगा देना है। एक साइड में इसमें कपड़ा ये डबल फोल्ड में है, तो इसको हमें इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में इसको हमें पेचकस से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना है और सीधा कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। और आपको किसी भी टाइप की लेटेस्ट डिज़ाइन सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इस पर हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। इस प्रकार से इसको फोल्ड करने के बाद में इसके साइड से कोने हैं उनको निकाल देना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से सुई से इसके कोने निकाल लेने अच्छे से। तो इस प्रकार से हमें दोनों साइड के जो लटकन है उनको हमें तैयार कर लेना है। इस प्रकार से तैयार करने के बाद में इसको हमें इस प्रकार से इसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको हमें ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद में इसको हमें ब्लाउज पे इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने ये बैक वाला जो नेक वो मैंने वी शेप में रखा है। आप इस प्रकार से अपने ब्लाउज पे इस डिज़ाइन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये डिज़ाइन बनती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन लगती है। तो दोस्तों, इसका आप फाइनल लुक देख सकते हो। इस प्रकार से मैंने इसको बना के रेडी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।